क्लास सिक्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट कीबोर्ड थर्ड एडिशन. दिस इज अवर लेसन नंबर 3. आवर टॉपिक इज एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एक्सेल 2013. काइंडली ओपन पेज नंबर 28 ऑफ योर बुक. एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एक्सेल 2013. एक्सेल 2013 हैज द फैसिलिटी टू फिल अ डेटा सीरीज ऑटोमेटिकली यूजिंग द ऑटोफिल फीचर्स. एक्सेल हमें ये एडवांटेज देता है कि हम इसमें डेटा जो है ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं. ऑटोफिल, द ऑटोफिल फीचर ऑफ एक्सेल अलाउज यू टू फिल अ रेंज ऑफ सेल विद अ सीरीज ऑफ डेटा विदाउट एक्चुअली टाइपिंग इन इट. हम क्या कर सकते हैं, ऑटोफिल के जरिए हम डेटा को फीड कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, बजाय इसके लिखने के. हम जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में नजर आ रहा है कि हमने डेज नेम लिखे हैं, तो हम सारे नेम्स को टाइप करें, हम क्या करेंगे, सिर्फ संडे लिख के अगर ऑटोफिल के फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये सारे डेज नेम लिखे हुए आ जाएंगे. ये मैंने स्क्रीन पे मंडे लिखा है. आपको यहाँ पे फिल हैंडल का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है. इस फिल हैंडल को अगर आप ड्रैग करेंगे देखें, ये मैंने ड्रैग किया है. ड्रैग करने के बाद जो है सारे नाम आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं. अब मैं आपको कस्टम लिस्ट का फीचर्स बताऊंगी. कस्टम लिस्ट एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेक्स्ट एंट्रीज दैट यू कैन इंटर क्विकली थ्रू ऑटोफिल. यानी कि पहले से ये एडिट होती है लिस्ट, आपने सिर्फ एक नाम इंटर किया, उसके बाद ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली आपके पास बाकी नेम इंटर हो जाते हैं. आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइल में आना है. फाइल के बाद आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी. इसके बाद आपने इसमें एडवांस में जाना है. एडवांस में आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट का. एडिट कस्टम लिस्ट करके यहाँ पे आप लिस्ट इंटर करनी है आपने. जैसे मैं यहाँ पे सीजन नेम इंटर कर रही हूँ, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम ऐड कर दें. यहां देखें ये लिस्ट जो है आपके पास ऐड हो गई है. अब देखें मैंने यहां पे आपके पास समर स्प्रिंग लिखा है. इसके बाद मैं इसको ड्रैग करती हूं, देखें आपके पास चारों नेम्स लिखे हुए आ गए, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम. जिस तरह से आपने ये कस्टम लिस्ट को ऐड किया था, इसमें एंट्री की थी, इसी तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं. देखें ये मैंने चार नाम इसमें ऐड किए थे सीजन्स के, अब ये मैं इसे डिलीट कर देती हूँ. ओके, ये देखें ये आपकी लिस्ट से सारे नाम जो है डिलीट हो गए. सॉर्टिंग. One of Microsoft Excel most useful feature is the ability to sort data. Sorting the arranged data which may be textual, numerical or alphanumerical, mixed letters and numbers in a specified order. Sorting का मतलब क्या होता है, arrange करती है data को. इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप screen पे देख रहे हैं मेरे पास 5 लोगों का data है, ठीक है. अब मैं इसको चाहती हूँ, ये मेरे पास अभी ascending order में है, मैं इसको चाहती हूँ कि ये क्या हो जाए, descending order में हो जाए. तो मैं यहाँ से इसको select करके सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करूंगी. इसमें देखें यहाँ पे आपको दिया हुआ है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जर और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. मैं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास डेटा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है. मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग. अभी देखें मेरे पास डेटा जो है अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है. मैंने यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक किया, इसके बाद मैंने इसे अरेंज किया. अरेंज करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कस्टम सॉर्ट का. कस्टम सॉर्ट में क्लिक करके पहले मुझे ये सीरियल नंबर वाइज चल रहा है, मैं इसको डिपार्टमेंट वाइज कर देती हूँ. यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने डिपार्टमेंट नंबर और क्लिक कर दिया ओके पे. अब देखें ये मुझे डिपार्टमेंट वाइज दे रहा है 10, 10, 20, 30, 40. इसी तरह आप इसे सैलरी वाइज और नेम वाइज भी अरेंज कर सकते हैं.
Now organize data into levels. If you want to total the salary of each depart and then want to find out the grand total of the salary, you can organize the data into department levels. आपने क्या करना है, डेटा के टैब पे क्लिक करना है. डेटा पे क्लिक करने के बाद आपने यहां से आउटलाइन आपके पास आ जाएगी, आपने सब टोटल पे क्लिक करना है. यहां से आपने सब टोटल पे क्लिक करना है. सब टोटल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डिपार्टमेंट नंबर आपने यहां से किया और यहां पे सैलरी पे चेक लगा के ओके कर दिया. आपके पास देखें ये सैलरी अरेंज हो गई डिपार्टमेंट वाइज. द फिल्टर फीचर सिलेक्टिवली ब्लॉक्स और हाइड्स द डेटा यू डोंट वॉन्ट टू सी. फिल्टर का ऑप्शन क्या करता है कि आपके डेटा को शो करता है या हाइड कर देता है. जैसे यहाँ पे आपने डेटा पे क्लिक किया, आपको यहाँ फिल्टर का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने फिल्टर पे क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे आपको एरो बने हुए नजर आ रहे हैं. आपने इसमें क्या किया, सिटी को सिलेक्ट किया. अब यहाँ से अगर मैं चेक लगा देती हूँ, हटा देती हूँ मक्का पे और न्यूयॉर्क पे, तो मुझे ओके तो मुझे देखें इनके सिटी जो है नजर नहीं आ रहे. इसी तरह मैं यहाँ पे अगर एयर पे हटा देती हूँ, एयर पे चेक लगा देती हूँ 2004 और 2010 ओके, तो देखें मुझे वो वाले एयर्स के शो नहीं हो रहे. कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अ फीचर दैट अलाउज यू टू सेट अ सेल फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यू स्पेसिफाई. For example, using conditional formatting, you can display numbers in a particular color depending on whether they are greater than, equal to or less than a certain value. आप इस conditional formatting में show कर सकते हैं अपने format को condition के मुताबिक greater than, less than, equal to के जरिए. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक sheet बनाई है, name है, test के marks है मेरे और total है. मैं क्या करती हूँ इसमें test 1 से लेकर test 3 तक के marks select कर लेती हूँ. उसके बाद मैं होम टैब में आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक किया, हाईलाइट टू सेल रूल्स ग्रेटर देन. मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन सेलेक्ट करके यहाँ पे मार्क्स दे दिए मैंने. 74 से जो ग्रेटर मार्क्स होंगे वो मुझे शो होंगे. ओके किया मैंने इसे, देखें ग्रेटर देन जो मार्क्स हैं 74 से वो मुझे रेड से शो हो रहे हैं. अब आप चाहते हैं कि आप इन रूल्स को क्लियर कर दें, तो आप क्या करेंगे, आपने यहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है क्लियर रूल्स का, आपने इस पर क्लिक किया और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट आपके पास से सारे जो ऑप्शंस हैं जो कलर्स में लिखे हुए नजर आए थे देखें वो रिमूव हो गए. मोर सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग. सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें ये मैंने डेटा इंटर किया हुआ है, आपने लास्ट टू लाइन्स को सिलेक्ट कर लेना है. लास्ट टू लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इसमें कलर चेंज कर देना है. आपने यहाँ से आपने इसका कलर चेंज कर दिया, ब्लू कर देती हूँ मैं इसे, ठीक है. अब आपने इसको ब्लू करने के बाद डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस डेटा पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक किया. अब आपने नेम के हिसाब से सेल कलर और ये आपको यहाँ पे ऑर्डर में दे रहा है कि आपको ये कलर वाले ऊपर चाहिए या नहीं चाहिए, नो फिल कलर चाहिए. आपने कलर्स को सिलेक्ट कर लिया, ऑन टॉप कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया. तो देखें जिसमें आपने कलर किया था वो वाला डेटा जो है वो सेल्स जो हैं आपको ऊपर नजर आ रहे हैं. इसी तरह अगर आप चाहते हैं तो आप उन रॉस को भी ऊपर लेके आ सकते हैं जिनमें आपका कलर नहीं है. सॉर्ट यहाँ पे आपने ऑन टॉप पे देखें नो कलर ओके, तो मुझे डेटा ऊपर ऐसा वाला मिल रहा है.